लेकिन दोस्तों इन शहरों में मजहब अखर में खुशामदली जब हुकूमती स्ट्रेटेजी हो गई है, कामयाब और पाकिस्तान तरीके इंसाफ का एहतजाज शुरू होने से पहले ही हो गया है ठुस, और अब इस तरह लग रहा है जैसे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के इस एहतजाज का ना कोई वाली है और ना ही कोई वारिस, क्योंकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाद पिशावर हाईकोर्ट में भी जिस तरीके से 24 नवंबर के एहतजाज के खिलाफ पिटीशन को दायर किया गया और उन पिटीशन के ऊपर इस्लामाबाद हाईकोर्ट की तरफ से बहुत ही जबरदस्त किस्म के रिमार्क्स, और मुमकिन तौर पर आज पिशावर हाईकोर्ट में इस केस की समाअत ने जनाब अली अमीन गंडापुर साहब को भी डिफेंसिव पोजीशन में डाल दिया है और उनकी तरफ से पार्टी लीडरशिप को इस बात का पैगाम दिया गया है कि जनाब मैं नहीं जे करनी है इस एहतजाज की क्यादत, क्योंकि अब अगर इस मरतबा मैंने एहतजाज की क्यादत की तो मेरे ऊपर तो लगी हुई है इस वक्त बहुत बड़ी बड़ी फ्लड लाइटें और इनमें से जरा सा भी मुझसे कोई हैंकी पैंकी होगी, जरा सी भी कोई छेड़खार होगी तो ये एहतजाज ले जाएगा जनाब मेरी वजारत आलाशिप, और इस मौके पर बेहतर यह है कि इस एहतजाज की जो क्यादत की जिम्मेदारी है वो मुतरमा बुशरा बीबी साहिबा और मुतरमा अलीमा खान साहिबा पर मुश्तरका तौर पर ही डाल दिया जाए। यहां से जनाब बुशरा बीबी साहिबा जो है वो एहतजाज की क्यादत करती हुई आए और लाहौर जमान पार्क से जनाब अलीमा खान साहिबा एक कॉन्वॉय को लीड करती हुई पहुंचे जनाब इस्लामाबाद, तो इस मौके पर तो मंजर ही बहुत ही ज्यादा अजीबो गरीब किस्म का होगा। लेकिन क्या किया जाए, इस सूरत हाल में मुझे तो वो धोबी वाला मुहावरा ही याद आ रहा है, क्योंकि इस मुहावरे ने इस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हकीकी सूरत हाल को आश्कार कर दिया है, क्योंकि जिस तरीके से हालिया दिनों में टपोसियां मारी गई हैं तो उसके नतीजे में ये एहतजाज और ये एहतजाज कराने वाले ना घर के रहे हैं और ना ही किसी घाट के, और उसके बाद जनाब इमरान अहमद खान न्याजी हालमुखी मंडियाला जेल ने खुद अपनी जुबान से उस एजेंडे को एक्सपोज कर दिया जिसकी बुनियाद पर इमरान खान साहब इस एहतजाज को कॉल ऑफ करने पर आमादा थे। यानी उनको उमर सरफराज चीमा याद नहीं आया, उन्हें डॉक्टर यास्मीन राशिद याद नहीं आई, उन्हें एजाज चौधरी याद नहीं आए, उन्हें महमूद रशीद याद नहीं आए, उन्हें तो शाह महमूद कुरैशी तक याद नहीं आए, और कहा गया कि अखे मुझे कल जमानत मिल गई थी, मुझे अगर रिहा कर देते तो पता चल जाता कि हुकूमत कितनी सीरियस है। आप अंदाजा लगाएं कि ये वो लीडर है जो ये कहता है कि बाकी जाए भाड़ में, बाकी जनाब सड़े जेलों में, मुझे बस आजादी मिलनी चाहिए, मैं बनी गाला के अंदर जनाब महात्मा बन के बैठूं और लोगों को जनाब इस बारे में लेक्चर दूं कि आपको कुछ नहीं पता, जो कुछ पता है मुझे ही पता है। अब क्या होगा, ये यकीनी तौर पर एक ऐसा सवाल है जिसने इस पूरे के पूरे मंजरनामे को कैप्चर किए रखा है, क्योंकि 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल के ऊपर इमरान खान साहब ने कल अडयाला जेल में मीडिया नुमाइंदों के साथ गुफ्तगू करते हुए तो वाज़ह तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया है कि जनाब अब तो एहतजाज होकर ही रहेगा और एहतजाज की कॉल को किसी भी सूरत कॉल ऑफ नहीं किया जाएगा, और उन्होंने इस बात का भी इजहार कर दिया कि आज बरोज जुमा सिंध से और बलूचिस्तान से जो काफिले हैं वो इस्लामाबाद की तरफ रवाना होंगे, यानी उनकी तरफ से इमरान खान साहब की तरफ से इस बिल्डअप का जो है वो इजहार कर दिया गया। दूसरी जानिब जो इंपॉर्टेंट पेशरफ्त सामने आई है इस एहतजाज के हवाले से वो आई है इस्लामाबाद हाईकोर्ट से, जहां पर पहली मरतबा हुकूमत के लिए कोई ठंडी हवा का झोंका है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजों ने इमरानी रफ्तार के साथ जनाब ये जो दरखास्त इस्लामाबाद हाईकोर्ट इस्लामाबाद के ताजरों की तरफ से इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दायर की गई थी कि जनाब साडा की कसूर है, हमें जो है वो कारोबार करने का ईस्ट डू बिजनेस हमें क्यों नहीं मिल रही, हमें क्यों एक सियासी जमात का जो है वो यरगमाल बना दिया गया है और इस्लामाबाद को कंटेनराइज कर दिया गया है जिसकी बिना पर जो खौफ और हिरास की फिजा है वो इस्लामाबाद के ऊपर तारी है। इस दरखास्त को जिस तरह मैंने भी आपसे गुजारिश की इमरानी रफ्तार से समाअत के लिए फिक्स भी किया गया और इमरानी रफ्तार से इस केस की समाअत की गई, इमरानी रफ्तार से वजीर दाखिला सेक्रेटरी दाखिला को तलब किया गया, इमरानी रफ्तार से जनाब वहां पर पेश भी हुए और वहां पर आके उन्होंने अपने मौकफ को सामने रखा और अदालत को आगाह किया कि जनाब बताएं अब हम क्या करें, ना इमरान खान साहब की तरफ से जो है उनकी जमात की तरफ से इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए इजाजत तलब की गई है, ना ही इस बात की कोई दरख्वास्त दी गई है, अलबत्ता धमकियां हैं जो कि एक सूबे के चीफ मिनिस्टर की तरफ से मुसलसल मौसूल हो रही हैं, और ऐसी सूरत हाल में एक बरादर मुल्क का जो प्रेसिडेंट है बोलीविया के शायद वो पाकिस्तान आ रहे हैं 25 नवंबर को और 24 नवंबर को उनका जो डेलीगेशन है जो कि 64 रुकनी डेलीगेशन है वो इस्लामाबाद आ रहा है, और कल ही अभी पारा चिनार के अंदर ये जो इंदोनाक वाकया हुआ है 38 अफराद की शहादत का
इस सूरत हाल में अगर हम हिफाजती इंतजाम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो अपने एहतजाज को सिक्योरिटी दे रही है, वो वहां के अवाम को यकसर फरामोश कर बैठी है। इस सूरत हाल में जब कानून की पासदारी नहीं की जाएगी, एहतजाज करना है तो जरूर करें, एहतजाज करना है, लेकिन उसके लिए जो कानूनी तरीकेकार है, जो हाई कोर्ट के फैसले हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, जो पार्लियामेंट की लेजिस्लेशन है, जो दायरा कार कानून के अंदर वजा कर दिया गया है, उसका यकीनी तौर पर एहतमाल होना चाहिए। और इस मौके पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जनाब मिस्टर जस्टिस आमिर फारूक साहब के मोहसिन नकवी साहब के साथ मुकालमे भी हुए और जज साहब की तरफ से सूरत हाल की नजाकत का एहसास करते हुए मुनासब ऑर्डर पास करने का जो है वो रिमार्क्स भी दिए गए। इसी तरीके से पिशावर हाई कोर्ट में भी दो दरख्वास्तें दायर हुई हैं जिनमें सीएम खैबर पख्तूनख्वा की एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज की बजाय पॉलिटिकल इश्यूज पर तवज्जो देने को चैलेंज किया गया है और ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई, क्योंकि जब से जनाब अली अमीन गंडापुर साहब चीफ मिनिस्टर बने हैं कोई एक दिन ऐसा नहीं है जब उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के हकीकी मसाइल की तरफ तवज्जो की हो। हत्ता कि अभी रिसेंटली जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं, जहाँ पर हमारे जवानों ने, हमारे अफसरों ने, हमारे आम के तारों ने जो जिंदगी की कुर्बानी दी है, अपनी जान की कुर्बानी दी है, खैबर पख्तूनख्वा के सीएम और खैबर पख्तूनख्वा की हुक्मरान जमात में से किसी एक ने भी उनके जनाजों में शिरकत करना भी गवारा नहीं किया। और उसके बाद ये जो पारा चनार के अंदर 38 लोगों की शहादत हुई है, इसके ऊपर तो पिशावर हाई कोर्ट का नोटिस लेना और जनाब अली अमीन गंडापुर की सरजनिश करना तो बनता है। यही वो सिनेरियो है जिसने पाकिस्तान तरीके इंसाफ के इस मुबैना एहतजाज के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है, क्योंकि अगर अली अमीन गंडापुर, जिस तरीके से मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज में कहा कि वो इस एहतजाज से शिरकत करने पर इनकार कर सकते हैं, क्योंकि एक जानब जहां पर ये एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज सामने आ रहे हैं, वहां पर पै दर पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और हॉस्पिटल्स के बंद करने के नोटिफिकेशंस भी सामने आ रहे हैं। इसी तरीके से वजारत दाखिला की तरफ से भी चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को नोटिफिकेशन, उनको एक जो है वो लेटर वो जारी किया गया है, जिसमें उनसे कहा गया है कि जनाब ये जो वसाइल हैं खैबर पख्तूनख्वा के, ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वसाइल हैं, ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ या अली अमीन गंडापुर की जाती जेब के वसाइल नहीं है, जिनको वो जनाब जिस तरह मर्जी खर्च कर सके, ये उसको विरासत में नहीं मिले, उसके अब्बाजी के में नहीं छोड़ के गए कि जनाब जिस तरह मर्जी इसको इस्तेमाल करो, ये अवाम का हक है, हुकूमत पाकिस्तान का सरमाया है, इसको इस तरीके से जाया नहीं किया जा सकता, और अगर इसको जाया करने की कोशिश की गई तो जवाब तलबी होगी। इसका मतलब ये है कि ये जो एहतजाज 24 नवंबर का होने जा रहा है, इस एहतजाज में अगर अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से सूबाई वसाइल को इस्तेमाल करने की रत्ती बराबर भी कोशिश की गई तो उसके उनको नतायज भुगतना पड़ेंगे, और यही वजह है कि उनकी तरफ से इस एहतजाज को की क्यादत करने से माजद भी की गई है। इमरान खान साहब को सूरत हाल से आगाह भी किया गया है, मुतरमा बुशरा बीबी साहिबा को भी इस सूरत हाल से आगाह किया गया है। देखना यह है, क्योंकि अभी 3-4 दिन बाकी रह गए हैं, कि क्या सूरत हाल बननी है। दूसरी जानब इस तरह मैंने भी आपसे गुजारिश की कि इमरान खान साहब ने खुद अपने हाथों से ये जो एक उनके लिए विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खुल रही थी उसको बंद कर दिया, और फिर मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए ना सिर्फ अपने आप को बुरे तरीके से एक्सपोज कर दिया, ये कहते हुए कि जनाब मुझे रिहा करने के लिए ही राब्ता किया गया था एस्टेब्लिशमेंट से, अब चूंकि मुझे रिहा नहीं किया गया लिहाजा एहतजाज होगा, ये इनफैक्ट उन तमाम लोगों की कुर्बानियों का मजाक है जो इमरान खान साहब के लिए इस वक्त जेलें काट रहे हैं। लीडर को कम अज कम अपने से पहले अपने उन मोमर साथियों का ख्याल करना चाहिए था जो इस वक्त जेल काट रहे हैं। उमर सरफराज चीमा जब इमरान खान का पूरा दौर था, मैं उमर सरफराज चीमा का सख्त तरीन मुखालिफ हूं, लेकिन जब इमरान खान का अरूज था, इमरान खान वजारतें बांट रहे थे, वजीर आजम थे, लोगों को टिकटें दे रहे थे, उस वक्त उमर सरफराज चीमा इमरान खान को याद नहीं आया। जब यहां पर एक दिन गवर्नर लगता था, अगले दिन इस्तीफा दे देता था, यह उमर सरफराज चीमा ही था जिसने उस सख्त तरीन टाइम में गवर्नर पंजाब की जिम्मेदारियां संभाली और इमरान खान के साथ, वो कहते हैं ना इमरान खान के साथ मोटा लगा कि नहीं, बल्कि इमरान खान के सामने आकर खड़ा हुआ, और उसने उस वक्त की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन थी या चाहे वो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन थी, उसको सख्त तरीन कॉन्फ्रंट किया। नतीजा क्या निकला कि सबसे पहले जेल गया, और जिस वक्त पंजाब के अंदर सेनेट की टिकटें बट रही थी तो जनाब उमर सरफराज चीमा उस वक्त भी इमरान खान को याद नहीं आया, और अब भी जब रिहाई के लिए डील हो रही थी उस वक्त भी डील सिर्फ अपनी जात के लिए की जा रही थी, उमर
सरफराज चीमा या बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैंसर पेशेंट डॉक्टर यास्मीन राशिद के लिए नहीं की जा रही थी। अब आप मुझे ये बताएं कि इस सूरत हाल में इमरान खान के लिए सिर्फ वही लोग बाहर निकलेंगे जो इमरान खान साहब के कल्ट के असीर हैं, जो इमरान खान साहब के साथ कोई एक ऐसी बॉन्डिंग में चले गए हैं जहां से उनको उनके लिए बाहर निकलना या हकीकतों के साथ नजरें मिलाना उनके लिए मुश्किल हो गया। अगर चे सूरत हाल इस वक्त बहुत ही ज्यादा वाज़ेह होकर सामने आ गई है। अब यह एहतजाज होगा या नहीं, ये भी एक मिलियन डॉलर क्वेश्चन है, क्योंकि इमरान खान साहब जिस हद तक जिद्दी इंसान है, जिस हद तक अनापरस्त हैं, वो अपने तमाम तर जो भी उनके जो उनके रबते हैं, जो भी उनका असर रसूख है, वो इस एहतजाज को कामयाब करने के लिए या इस एहतजाज को इस हद तक मुतनाज़ा बनाने के लिए सर्व करेंगे जिसके नतीजे में या तो उनको कोई लाश मिले या इस तरह की सिचुएशन हो जो इंटरनेशनल लेवल पर खबर बने। और उसके लिए इमरान खान साहब के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्ले ग्राउंड है पंजाब। पंजाब के अंदर इमरान खान साहब की यह कोशिश होगी कि कुछ इस तरह का माहौल लाहौर के अंदर, पिंडी के अंदर, गुजरांवाला के अंदर, सियालकोट के अंदर, वजीराबाद के अंदर, तमाम बड़े बड़े मेजर सिटीज के अंदर, इस तरह मुल्तान के अंदर इस तरह का माहौल क्रिएट किया जाए जिससे अवाम वर्सेस सिक्योरिटी फोर्सेस, अवाम वर्सेस मुस्लिम लीग नून की सिचुएशन को डेवलप किया जाए। और इस सूरत हाल को अगर डेवलप किया जाता है इमरान खान साहब की तरफ से, क्योंकि जिस तरीके से मैंने भी आपसे गुजारिश की कि इमरान खान साहब ने जान बूझ कर एहतजाज के लिए जो तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैं उनसे इजाजत नहीं ली, इसका मतलब ये है कि इमरान खान के एहतजाज की बुनियाद ही गैर कानूनी तौर पर है। गैर कानूनी एहतजाज को रोकने के लिए गवर्नमेंट हर तरह की इख्तियार है उसके पास पावर को इस्तेमाल करने का। यह हुकूमत की मर्जी है कि वो इस एहतजाज को एग्जीक्यूट होने की इजाजत दे या इस एहतजाज को रोके, लेकिन यह एहतजाज अपनी बुनियाद से ही एक गैर कानूनी एहतजाज कहलाएगा। अब अगर इस गैर कानूनी एहतजाज, चूंकि एहतजाज है ही गैर कानूनी, उस लिहाजा उसके लिए हर एक अमल, चाहे वो किसी दरवाजे पर पत्थर मारे, चाहे वो किसी पुलिस कॉन्स्टेबल के मुंह पर थप्पड़ मारे या किसी से डंडा छीने, यह सारे का सारा अमल भी गैर कानूनी होगा। और इमरान खान साहब ऐसे ही माहौल को क्रिएट करना चाहते हैं जहां पर बदअमनी की एक सिचुएशन को क्रिएट हो और वो इस तरह की लहर बने जिस पर सोशल मीडिया को एक्सप्लॉइट करने का मौका मिले। और उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ जो लोग हैं वो इस वक्त सोशल मीडिया पर आकर मुख्तलिफ ऐसी एप्स को प्रमोट कर रहे हैं जिसमें इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि इन एप्स को चलाने के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं है और यह पैगाम रसानी का बहुत ही ज्यादा आसान तरीका है। मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर, मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर इस वक्त इस तरह की वेबसाइट्स का जिक्र जारी है। अब चूंकि ये अल्टरनेटिव अरेंजमेंट किया गया है इन एप्लीकेशंस के हवाले से, और चूंकि ये एप्लीकेशन बहुत ज्यादा अननोन है, देखना ये है कि पीटीए इसके ऊपर क्या रद्दमल देता है, लेकिन इमरान खान साहब की ख्वाहिश ये है कि इस तरह की सूरत हाल को हर शहर, हर जिले, हर तहसील, हर यूनियन काउंसिल के अंदर डेवलप किया जाए ताकि एक वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो और इमरान खान साहब की वो जो ख्वाहिश है बांग्लादेश जैसी या श्रीलंका जैसी सिचुएशन वो डेवलप हो और इमरान खान साहब अपनी मसल पावर्स का मुजाहरा कर सके। लेकिन जिस तरीके से मैंने कल की एक वीडियो में आपकी खिदमत में इस गुजारिश को पेश किया था कि मरियम नवाज को एक्टिव करने का फैसला कर लिया गया है और इस ऑपरेशन को भी मरियम नवाज साहिबा डायरेक्टली मॉनिटर करेंगी और डायरेक्टली खुद इस पर अहकाम देंगी। पहले मोहसिन नकवी साहब को पंजाब की ये जो 24 नवंबर के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों को एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल करने की हिदायत दी गई थी, लेकिन अब मोहसिन नकवी साहब बतौर वजीर दाखिला अपनी हदायत तो दे सकते हैं, लेकिन पंजाब की तमाम तर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो मरियम नवाज के ही मातहत होगी। लिहाजा पंजाब के अंदर इमरान खान साहब सीन को क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन बदकिस्मती से पंजाब के अंदर इस वक्त इमरान खान साहब के पास लीडरशिप नहीं है। इमरान खान साहब की आवाज के ऊपर, कॉल के ऊपर वर्कर निकलेगा, आम आदमी निकलेगा, आम कारकुन निकलेगा, तभी इमरान खान साहब इस एहतजाज को एक इनकलाब की शक्ल में कन्वर्ट कर सकते हैं, लीडरलेस एहतजाज। और चूंकि जो लीडरलेस एहतजाज होता है वो मॉब साइकोलॉजी के ऊपर चलता है, जिस तरीके से हमने 9 मई के वाकयात के ऊपर देखा, वहां पर हम उसको मॉब साइकोलॉजी कह सकते हैं, चंद लोगों ने हमला किया और बाकी लोगों ने देखा देखी उस अमल के अंदर शरीक जो है वो शिरकत इख्तियार कर ली। इसी तरीके से इस एहतजाज के अंदर इमरान खान साहब की कॉल, इनफैक्ट इमरान खान साहब की ग्राउंड पर मौजूद मकबूलियत का एक टेस्ट होगी और देखना यह है कि इमरान खान साहब इस टेस्ट में कामयाब होंगे या नहीं। बज़ाहर इस वक्त मुझे हुकूमती स्ट्रेटजी कामयाब होती हुई
और पाकिस्तान तरीके इंसाफ का एहतजाज आगाज से पहले ही ठुस होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब ने जिस घोड़े पर बैट लगाई थी यानी अली अमीन गंडापुर, वो हो गया है लंगड़ा, और लंगड़ा घोड़ा रेस नहीं जीता करता। ये बात खुद इमरान खान साहब को इसका बखूबी एहसास है। अपनी जगह जरूर जाहिर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।